खबर राजधानी देहरादून से है, जहां एसटीएफ ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश कर कड़ी कार्रवाई की। जिसकी जानकारी देते हुए एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए कल रात्रि थाना आईटीआई नगर क्षेत्र में एक मकान में छापामार कार्रवाई की थी और इस छापेमारी के दौरान नकली शराब बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही गिरफ्तार आरोपी के पास से भारी मात्रा में नकली शराब बनाने का रॉ मटेरियल भी बरामद किया गया। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। के पास में थाना आईटीआई क्षेत्र में एक मकान के अंदर एक नकली शराब की फैक्ट्री संचालित की जा रही है और इस सूचना को डेवलप करते हुए कल रात में हमारी टीम के द्वारा और आबकारी विभाग को साथ में लेते हुए वहां पर रेड की गई और वहां पर एक जो नकली शराब की फैक्ट्री थी उसको बस्ट किया गया है। वहां पर 25 पेटी लगभग नकली शराब बरामद हुई है। शराब बनाने के उपकरण, केमिकल्स इत्यादि बरामद किए गए हैं और जो इसको संचालक था इसका अमनदीप, उसको पकड़ा गया है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी एक मुकदमा इसी तरह का पंजीकृत है, जहां पर ये कहीं और शराब की फैक्ट्री चला रहा था। ये केमिकल कहां से आ रहा था, क्या कॉम्पोजिशन है और ये कहां कहां बेची जा रही थी, इन सभी पहलुओं पर आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कार्रवाई की जाएगी।